Yes, this one, your sixth extract of 10th class. Listen carefully. I think I would turn and live with animal. They are so placid and self-content. मैंने यहाँ पे जो पॉइंट है वो अपने आप को टर्न करने की बात कर रहा है विद एनिमल की तरह. दे आर सो प्लेसिड. क्यों एनिमल जो होते हैं सो प्लेसिड, बहुत ही सोभे होते हैं एंड सेल्फ कॉन्टेंट होते हैं, मतलब खुद पर विश्वास करने वाले होते हैं. पॉइंट कहता है कि आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. मैं खड़ा होकर उन्हें लगातार देखता रहा और देखता रहा. क्या देखा? दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट दियर कंडीशन. बहुत अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पर कि वो अपनी कंडीशन पर कभी भी स्वेट नहीं होते, घबराते नहीं है और ना ही वाइन, कभी भी अपना बैलेंस खोते नहीं, अपनी मानसिकता को खोते नहीं है. क्वेश्चन नंबर वन, हु इज आई. यहाँ पर आई जो है, आई किसके लिए आया है? रेफर टू इन द अबव लाइन्स. तो यहाँ पे आंसर आपका पॉइंट का है, आई मतलब पॉइंट के लिए आया यहाँ पे. तो वॉल्ट व्हिटमैन है आपका इसमें पॉइंट इन लाइनों को लिखने वाला, और जो आई जो खुद को मान रहा है वो पॉइंट है वॉल्ट व्हिटमैन. सेकंड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेसिड. यहाँ पे जो प्लेसिड शब्द जो है वो आपका पीसफुल के लिए आया है. पीसफुल जो भी आपको ऑप्शन उसमें दिया है कि मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर दिए हैं, तो आप इसका ध्यान रखेंगे. आप थर्ड है आपका, फ्रॉम विच पोयम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन. मतलब ये जो लाइन है कौन सी पोयम में से ली गई है. तो आपके पोयम का नाम है एनिमल्स. तो आपके जो 10th क्लास के जो एक्सट्रैक्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट जो कुछ हैं आपके, वो आपके इसमें कंप्लीट हो चुके हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ आपको पैराग्राफ से संबंधित आपको चीज़ें समझाई जाएंगी.